नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो 100% जितने भी व्यूअर्स देखेंगे ना सबको फायदा होगा। आज की डेट का ये उपाय हर किसी को फायदा करेगा जो भी देखेगा। यानी अगर इस वीडियो को हमारे 50,000 लोगों ने देखा एक दिन में तो 50,000 लोगों को प्यार उनका मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारा तरीका, ढंग, व्यवस्था, सिस्टम सही चाहिए। ध्यान से सुनना, प्रेम कोई पानी की वस्तु नहीं है, प्रेम कोई सामग्री नहीं है, प्रेम एक एहसास है जो बताया और दिखाया नहीं जा सकता। आज मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारे प्रेमी का, प्रेमिका का, लवर का, पति का, पत्नी का, जिसे तुम चाहते हो भाई, उसका फोटो है ना, बस तुम जीत गए। अब कोई सामग्री नहीं चाहिए। सामग्री में क्या चाहिए? तुम्हारा मोबाइल और उसमें फोटो, बस। दूसरी कोई सामग्री नहीं चाहिए। अब आपको यह काम करना है सायंकालीन 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में। कितने बजे करना है सुन तो लिया ही ना, बार बार क्या रिपीट करना तो ये इस बीच में आप काम कर लें। सिर्फ मोबाइल में फोटो पर आपको फूंक मार देनी है। आपको ये मंत्र, ये बीज मंत्र, ये प्रेम मंत्र, ये रिलेशनशिप मंत्र फूंक देना है अपने मोबाइल की फोटो पर। आपका प्रेमी आपका हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप मजबूत हो जाएगा और आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। आज तुम्हें चाहिए मोबाइल में वो फोटो जिनको तुम परस्पर करना चाहते हो, जिसे तुम पाना चाहते हो, जिसे अपना बनाना चाहते हो, जिसे अपने बराबर में खड़ा करना चाहते हो, वो चाहे कोई भी रिलेशन हो। उसके लिए सिर्फ तुम्हारी मोबाइल में एक पिक्चर चाहिए। और ये काम आपको जो हमने समय बताया उस समय के अंतराल में ही करना है, उसके बीच में ही करना है, ना उसके पहले ना उसके बाद। अब आपको बाएं हाथ पर मोबाइल रखना है, बैटरी का जो पोर्शन है वो तुम्हारे हाथ पे होना चाहिए और फोटो वाला पोर्शन ऊपर यानी स्क्रीन ऊपर होनी चाहिए, उस पर उनकी फोटो होनी चाहिए। स्क्रीन परमानेंट ऑन कर देना, वो थोड़ी देर में ऑफ हो जाती ना, उसको परमानेंट ऑन कर लेना। और फिर दूसरा राइट हैंड उसके ऊपर रखना है। ये काम आपको नितांत पर्सनल एकांत में करना है। ये काम आपको नितांत पर्सनल और एकांत में करना है। ये काम ऐसी जगह करना है जहां आपके अलावा और कोई ना हो। कोशिश करें जितना ज्यादा आप उस समय सुंदर और आकर्षक हो, जितना ज्यादा आप बेहतरीन हो सके, जितना ज्यादा आप उस हिसाब से हो सके जैसा तुम्हारा पार्टनर तुम्हें पसंद करता है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और इस मंत्र को बोलकर फूंक मार देनी है। और फूंक मारते समय ये ध्यान रखना है, इस बात का बहुत खास ख्याल रखना है कि आपकी श्रद्धा, विश्वास और गुरु के प्रति आदर और गुरु का आदेश होना बहुत आवश्यक है, वरना काम होना असंभव हो जाएगा। ये फूंक मारते समय आपको ध्यान रखना है कि वो काम हो ही जाएगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। और वो फूंक में ताकत आपको गुरु आदेश से मिलेगी, गुरु की कृपा से मिलती है। कोई भी उपाय काम नहीं करता, उपाय करता है गुरु का आदेश। गुरु कह रहा है ना, इसलिए काम होगा। कितने ऐसे पुराने पंडितों को, गुरुओं को देखा है, वो सबको एक ही बात बोलते थे, जाओ राम राम करो, जाओ राम राम करो, काम होगा। कोई किसी को बच्चा हो रहा है, किसी को एजुकेशन मिल रही, काम अलग अलग, उपाय एक, जाओ राम राम करो। उपाय तब काम करता है जब गुरु का आदेश होता है, गुरु के प्रति समर्पण हो। तो मंत्र क्या करना है, ओम ऐंकारी सृष्टि रूपायै हृंकाली प्रतिपालिका कृंकाली काम रूपिणी बीज रूपे नमोस्तुते। ऐसा कहकर फूंक मार देना है। और उसके पहले मन में बोलना है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों देवियों को प्रणाम करके उनकी शक्तियों को आवाहित कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा ये काम हो जाए, या मैं ये चाहती हूं कि मेरा ये काम हो जाए। बस अपनी बात कहो और चुपचाप उस मोबाइल की फोटो को अच्छे से देखना, प्यार से मुस्कुराना और चुपचाप सो जाना। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, कुछ तो बात होगी ना, कभी तो तुम्हारी बात आएगी, कभी तो तुम्हारा नंबर आएगा। करते रहिए, क्या लगता है उपाय करने में कुछ खर्च थोड़ी हो रहा है? इतने सालों से परेशान हो, एक आध उपाय कर लो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, खूब सारा प्यार बढ़ाए और तुम्हें खूब अच्छा करे, पानी पीना, सुंदर बनना, अच्छा रहना और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करना। ओम नमः शिवाय। शिव ही संकट हरता,
शिव ही मंगल करता, शिव ही जीवन के आधार हैं, होता है हर जीव का कल्याण। शिव महापुराण वो ज्ञान रूपी गंगा की धार है। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सदगुरु नाथ जी महाराज के श्रीमुख से श्री महाप्रभु जी बैठक, रामकुंड रामेश्वरम तमिलनाडु से श्री रुद्राक्ष शिव महापुराण कथा का 7-13 जून 1:00 PM से सीधा प्रसारण देखिए सत्संग पर।